इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर प्रे, मतलब यदि आप किसी काम में अच्छे हो तो उसे कभी भी किसी के लिए प्रे में मत करना। ये पावरफुल लाइन, ये पावरफुल थॉट है द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर जोकर यानी हीथ लेजर के। एंड बॉस, आज की वीडियो भी जोकर के कुछ ऐसे ही पावरफुल डायलॉग्स पर बेस्ड है, तो बॉस इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, उसे खुद से रिलेट करना, उसे अपने दिलो दिमाग में महसूस करना, क्योंकि तभी एक ऐसी आग लगेगी जो आपके एटीट्यूड को बदल के रख देगी। सो बॉस, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बॉस, जरूरत से ज्यादा किसी पर डिपेंड मत होना, क्योंकि अंधेरा होते ही परछाई तक साथ छोड़ जाती है, तो फिर ये दुनिया क्या चीज है। सांप तो डसेगा ही, चाहे सांप को सांप कहो या सांप जी। जरूरत से ज्यादा समझदार लोगों को मैंने हमेशा कंफ्यूज ही देखा है। अपने दम पर जीने के लिए मेरा वाला पागलपन चाहिए। लोग कभी भी ये याद नहीं रखते कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है, पर लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि हमने उनके लिए क्या नहीं किया है। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए लड़ने की ताकत नहीं है ना, तो उसे खोने के बाद हमें रोने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि इंसान को वो नहीं मिलता जिसका वो बरसों से सपना देखता है, बल्कि इंसान को वो मिलता है जिसे पाने के लिए इंसान जी जान लगा रहा होता है। बॉस, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें तुम्हारी तकलीफ दिखाई देगी, क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिन्हें तकलीफ में भी तुम्हारी गलतियां दिखाई देंगी। कोई जब तुम्हें ये बताए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, तो तुम उसकी राय लेना फैसला नहीं, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। बॉस, ये जिंदगी और इसका वक्त बहुत कीमती है, इसे उन्हें समझाने के लिए वेस्ट मत करो जो तुम्हें गलत समझते हैं, बल्कि ये साबित करने में यूज करो कि तुम हमेशा से ही सही थे। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वक्त रहते उस पर काबू पा लेना, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो प्रॉब्लम तुम्हारी खुशियों पर काबू पा लेगी। अगर वाकई पर कभी भी तुम्हारे दिमाग में दुनिया से बदला लेने का विचार आए ना, तो बॉस खुश रहने की आदत डाल लेना, क्योंकि अक्सर लोगों को दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जब लोग तुमसे बात करना बंद कर दे तो अफसोस मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग अब तुम्हारे बारे में बात करने लगे हैं। बॉस, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को तुम्हारी असली कीमत पता हो, बस हमेशा ये मायने रखता है कि तुम्हें तुम्हारी कीमत पता हो। एंड लास्ट वाला मेरा फेवरेट है कि खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। बॉस, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए यस वी वांट टू पार्ट 2। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। जय हिंद, जय भारत।